यूपी में तीसरे चरण का मतदान हो चुका है और चौथे चरण की तैयारी है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई कि पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े होने लगे। दरअसल यूपी के इटावा जनपद में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि भारत के पीएम की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो और उसके परिवार के साथ गांव के लगभग एक दर्जन हथियारों से लैस दबंगों ने जमकर मारपीट की, और न सिर्फ मारपीट लूटपाट भी की गई। यह है गुजरात के अहमदाबाद हाउ में तैनात राजीव भदौरिया। कुछ दिनों की छुट्टियों पर अपने पैतृक गांव फतेहपुर आए थे, लेकिन आते ही यहां इनके साथ ये बड़ी घटना हो गई। आप सुनिए जरा कि एनएसजी कमांडो पर गांव के दबंगों का किस तरह से कहर टूटा। क्या नाम है सर? मैं राजीव सर, एनएसजी कमांडो राजीव भदौरिया हूं सर। क्या मामला है आपको? मामला मेरा है सर, मैं ग्राम फतेहपुरा थाना बकेवर का रहने वाला हूं। मेरे को सर आए दिन गांव में निकलते गाली दी जाती है, क्योंकि मैं गांव में मेरे पास मेरे घर में चार से पांच लोग हैं, जो अपराधी उसके 50 से 60 लोग हैं। लेकिन सर ये नहीं है कि अगर कोई गांव में कमजोर है या जिसके परिवार में कम लोग, उसकी माँ को गाली दोगे। मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा है? मैं एक सैनिक हूँ, भारत माँ पे जान दे सकता हूँ, और अपनी माँ को गाली खिलवाऊँ? उसका मैंने विरोध किया कि मेरी माँ को तुम गाली क्यों दे रहे हो? तो उसका अंजाम ये, वो रास्ते में कूट घेर के मुझे मारा, मेरी चैन ले गई, मेरा मोबाइल ले गई, मेरा रेबन का चश्मा ले गए। उसके बाद मैं FIR कराने जाता हूँ, तो आज सुबह मैं जैसे थाने के लिए निकलता हूँ, मेरी इस कदर फील्डिंग लगती है, अगर ये हमारे पड़ोस के गाँव के साथी नहीं होते तो मैं आज मैं यहाँ घर पर शहीद हो जाता। पुलिस के पास आप गए? सर पुलिस के पास मैं कल गया था, लेकिन आज मैं थाना बकेवर नहीं पहुंच सकता था। तो पुलिस से आपको क्या आश्वासन? मुझे सर बकेवर पुलिस से बिल्कुल आश्वासन नहीं है, क्योंकि जो अच्छे सन ऑफ संतोष सिंह है उसके खिलाफ इतने मुकदमे हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो खनन माफिया एरिया का सबसे बड़ा, उस पे ऊपर रेप से लेके बैंकिंग में घोटाले तक के सारे मामले दर्ज हैं। आप किस गांव से? मैं सर उसी गांव से हूं सर। क्या नाम है गांव का? गांव का फतेहपुरा। आज आपने किस अधिकारी को ज्ञापन दिया? मैं सर आज कप्तान साहब से मिलने आया हूं, और मुझे उम्मीद है कि कप्तान साहब से पहले नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं बकेवर थाने में अगर जाऊंगा मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। तो कप्तान साहब का मोबाइल नंबर है, आपने संपर्क करने की कोशिश? अभी कप्तान साहब मीटिंग में है, ठीक है, उसके बाद मुझे बताया गया कप्तान साहब आपसे मिलेंगे, और देखो उनका इंतजार कर रहे फिर क्या होता है। आप बता रहे थे और किसके किस किस के साथ मारपीट हुई? मेरे भाई के साथ हुई है, मेरे भतीजे के साथ हुई है, और 2016 में मेरी माँ के साथ भी हुई थी, जिनकी उम्र 60 साल है। मेरी माँ अभी रजेंसी हॉस्पिटल में 10 दिन एडमिट रही है, जिनको हर्पीस नाम की बीमारी हुई, आज भी वो चारपाई पर लेटी हुई है, बीपी के पेशेंट है। अगर मैं उनको ये बता दूँ मेरी लड़ाई हो गई तो शायद वो सामना पकड़े। मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, गाँव मेरा अकेला घर है सर। आपकी जो आप कब लगे थे? मैं 2011 में भर्ती हुआ हूँ, और NSG में मेरा सिलेक्शन 2019 में हुआ है। 13 क्या नाम है? रजनीश त्रिपाठी, ग्राम नंदपुरा। आज इनके साथ जो घटना हुई, आप उस वक्त मौजूद थे क्या? सर इन्होंने बुलाया था, फायरिंग हुई है वहाँ पे, हम लोग पानी लगा रहे थे, कुछ लोग गांव में लेटे हुए थे, सुबह का टाइम था। जब ये घर पे मतलब हम लोगों के घर पहुँचे तब हम आ गए, तो 20 से 25 आदमी और सबके हाथों में डंडे, हॉकी और बैट जो बल्ला होता है वो, और फौरा सब लिए वो, और इन्हें मारने के लिए आए थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे गांव के सभी लोग, तो उनसे पूछा क्यों, बोले हम उसकी देह तोड़नी है, मुझे बताओ कहाँ है। अपना भैया वो तो कहीं भाग गए, ये हालत थी। और सीधा उनका बोलना है कि उसकी उसे मारना है, और अगर 2-5 मिनट हम लोग लेट हो जाते तो शायद मैं आज ये यहाँ नहीं होते। और हम लोग थे वहाँ पे, हाँ फायरिंग भी हुई है वहाँ पे आज सुबह की। फिलहाल देखना होगा कि दबंगों की दबंगई आखिर कब खत्म होगी। जब पीएम की सुरक्षा में तैनात NSG कमांडो ही सुरक्षित नहीं, तो आम जनता की तो क्या ही कहें। देखना होगा कि इस मामले पर कब बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।